तो भाई लोग कैसे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों यार देखो, अभी मैं तुम लोगों को मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम लोग मतलब जो असली टॉपिक है ना वो गाइज मैं इसी वीडियो पे कवर करने वाला हूँ। बट गाइज यार, अगर आप लोग इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखोगे ना गाइज, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लिटरली गाइज आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप लोग फिर कॉमेंट में जाके बोलोगे कि भाई तूने वीडियो तो बनाया बट किस टॉपिक पे बनाया, तेरा इस वीडियो को बनाने का माध्यम क्या है, मतलब क्या है इस वीडियो का बनाने का, वो तो बता दे। तो यार तुम लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आप लोग खुद ब खुद समझ जाओगे कि मैं वीडियो में कहना क्या चाहता हूँ, मतलब आज किस वीडियो का माध्यम से मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा दिल का जो बात है वो मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूँ मैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब सुनने के बाद। ऑब्वियसली बात है, देखना और सुनना दोनों ही पड़ेगा आप लोगों को। तो देखना एंड सुनने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि मैं आज की इस वीडियो में कहना क्या चाहता हूँ। सो गाइस यार देखो, हमारी जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जब छोटे होते हैं, ठीक है, मैं तुम लोगों को बहुत ही सीधे भाषा में और एग्जांपल देके समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है, तो वीडियो पे बने रहो, जाओ मत अभी, ठीक है। सो यार देखो, हम लोग जब छोटे रहते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं तब हम लोग क्या जिद करते हैं, हम लोग चॉकलेट खाने को जिद करते हैं, ठीक है। फिर जब हम लोग थोड़े से बड़े होते हैं तब हम लोग क्या लेने की जिद करते हैं, ऑब्वियसली बात है खिलौने लेने की जिद करते हैं। जैसे कि मेले वगैरह में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भाई हम लोगों को खिलौने दे दो, हम लोगों को मतलब जिद करते हैं, हम लोग रोने लग जाते हैं मम्मी पापा से कि भाई हम लोगों को खिलौने दे दो। फिर यार हम लोग थोड़ा सा और बड़े होते तो हम लोगों को थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का जिद होता है, जैसे कि बाहर खेलना होता है, मतलब बहुत देर तक हम लोग बाहर खेलते रहते हैं, और साइकिल वगैरह की ज़िद करते हैं कि हम मेरे को साइकिल दिला दो, मेरे दोस्त लोगों को साइकिल मिल चुका है और मेरे को साइकिल नहीं मिला अभी तक, तो मेरे को भी साइकिल दे दो। फिर और भी थोड़ा सा बड़े होते हैं हम लोग तो फिर हम लोगों को ज़िद करते हैं कि हम लोगों को बाइक दे दो, हम मेरे दोस्त के पास बाइक है लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है तो भाई मेरे को भी बाइक दे दो, ठीक है, तो हम लोग ज़िद करते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो फिर ऑब्वियस बात है और बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों के पास इतना औकात हो जाता है, मतलब इतना हम लोगों के पास मतलब अपॉर्चुनिटी हो जाता है, इतना हम लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड कर पाते हैं कि हम लोग खुद के लिए एक कार तो ले ही सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। सो तब के टाइम पे ऑब्वियसली बात है कि हम लोग अपने मम्मी पापा को फोर्स नहीं करते कि मेरे लिए कार खरीद दो एक, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इतने उम्र पे भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं होते और अपने मम्मी पापा को ही बोलते हैं कि मेरे को कार खरीद दो, ठीक है। सो, वो तो भाई अलग कुछ टॉपिक हो गया, लेकिन उसमें उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ, हमारे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। गाइज यार देखो, कुछ भी चीज़ हो ना गाइज, लिटरली कुछ भी चीज़ हो, सब चीज़ों में ना एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ होता है, वो गाइज हमारे जो दिन ब दिन हमारा जो समय होता है वो तो भाई चेंज होता रहता है ना गाइस। आज सोच लो कि मेरा उम्र है 18 साल, ठीक है, तो अगले एक साल में तो मेरा 19 साल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो वैसे ही गाइस कोई भी गेम अगर आप लोग खेलते हो ना, तो एक ही गेम को अगर तुम लोग खेलते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसीलिए गाइस आप लोग क्या बोलते हो कि मेरे को ये मैप दे दो, मेरे को ये मोड दे दो, जैसे कि जॉम्बी मोड दे दो, मेरे को जो हमारा TDM मोड है वो दे दो, भाई बहुत कुछ मोड आता है तो वो सब मोड हम लोगों को दे दो, आप लोग बोलते हो, ठीक है, टेंसेंट कंपनी को ये दावा करते हो। बट गाइस यार आप लोग इतने जल्दी बोलते हो कि वो तो इम्पॉसिबल है गाइस, क्योंकि गाइस आप एक छोटे से बड़े होते हो तो आप दो दिन में तो बड़े नहीं होते हो, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल ऐसे करके बड़े होते हो। तो ये तो एक गेम है गाइस, इसमें तो आप लोगों को मतलब आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, आप लोगों को तो सिर्फ खेलना पड़ता है गाइस, लेकिन मेन जो काम है वो तो डेवलपर के पास काम होता है, वो लोग गेम में इम्प्रूव करते हैं। सो गाइस यार आप लोग जैसे कि एक ऑडियंस हो, क्योंकि गाइस आप लोग खेलते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हो, आप लोग सिर्फ एक गेम को खेलते हो। जैसे कि कोई बंदा अगर कार बनाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस कार को खरीदते और चलाते हो, ऑब्वियस सी बात है। सो वैसे ही आप गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और खेलते हो, आपका काम बस वही है। लेकिन जो बंदा कार बनाता है, मतलब जो बंदा पबजी मोबाइल लाइट को बनाता है, उसके बारे में तो सोचना पड़ता है गाइस, ठीक है ना। तो वैसे गाइस आप लोग
इस चीज़ को गलतफहमी में ले रहे हो कि भाई बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा, बट कैसे ऐसा नहीं होता। एक गेम बोलो या फिर लाइफ में कुछ भी चीज़ बोलो, थोड़ा सा लेट में ही आता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड आप लोग जितने भी बोल रहे हो ना कि मिरामा मैप आएगा, ये मोड आएगा, ये सब आएगा, गाइज आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, बट गाइज थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जो समझदार है वो उनके लिए तो भाई इशारा ही काफ़ी है, बाकी आप लोग समझ जाओगे सब कुछ, ठीक है। तो यही था आज गाइज, यही था आज का क्या बोल रहा हूँ यार, तो यही था आज का वीडियो गाइज। आई होप गाइज आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया ना तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना गाइज, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।